कोरोना महामारी ने जहां लोगों के काम धंधों पर बड़ी चोट की है, तो वहीं अब बढ़ती महंगाई ने लोगों को और परेशान कर दिया है। आम आदमी पर महंगाई ने अब एक और बड़ा वार किया है। देश में प्याज और टमाटर के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिस वजह से लोगों की रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। अंबाला में सब्जी मंडी में ही प्याज के रेट 40 रुपए प्रति किलो और टमाटर के रेट 45 रुपए प्रति किलो तक पहुँच गए हैं। वहीं अगर रिटेल में दुकानों पर प्याज और टमाटर के दाम और भी ज्यादा है। अंबाला सब्जी मंडी में सब्जियां खरीदने पहुंचे लोगों का कहना था कि प्याज हर आदमी की रोजमर्रा की जरूरत में शामिल है, ऐसे में इसका भाव बढ़ने से सभी वर्गों के लिए मुश्किल है, जिसका असर हर वर्ग के लोगों पर पड़ रहा है। वहीं टमाटर भी आम आदमी की पहुँच से दूर होता जा रहा है। महंगे हैं अब तो, रेट काफी बढ़ गए हैं और महंगाई इतनी है कि घर के गुजारे मुश्किल है। अब टमाटर है 40 रुपए किलो हो चुके हैं, पहले 20 थे 10 थे ठीक था, लेकिन अब ज्यादा महंगा हो गया। प्याज के बारे में, प्याज तो अभी मैंने देखा नहीं है रेट इसका। 40 रुपए हो रहा है। अच्छा, प्याज भी 40 रुपए है। अब हर धीरे धीरे हर सब्जी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। सर जी महंगा हो रहा है, आलू भी इतना हाई फाइव हो रहा है, और टमाटर 35 रुपए मिला है, 40 रुपए हो रहा है, कहाँ 20-25 रुपए किलो था। प्याज इतना महंगा हो पड़ा है, 170 रुपए 5 किलो, बताओ कितनी महंगी हो रही, क्या खाएंगे क्या पियेंगे। वहीं प्याज के बड़े दामों से जहां ग्राहक परेशान हैं, तो वहीं सब्जी विक्रेता भी परेशान हैं। दुकानदारों का कहना था कि जहां लोग पहले 5-5 किलो प्याज ले जाते थे, अब 1 किलो ही ले जा रहे हैं। आम आदमी प्याज और टमाटर खरीदने से बचने लगा है। हालांकि आढ़तियों का कहना है कि आने वाले 15 से 20 दिनों में प्याज के दाम और टमाटर की कीमतें कम हो जाएंगी। सर टमाटर के रेट में 2-3 दिन से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, पहले 30 रुपए किलो मिला, फिर कल 40 रुपए हुआ, चल भाई तू तो आज सस्ता हुआ थोड़ा सा। बाकी प्याज में बढ़ोतरी हुई है, एक हफ्ते पहले 20-22 रुपए किलो था, आज की डेट में 30 रुपए किलो है, ठीक है, जिससे गांव बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। पीछे बारिशों की वजह से फसल कम हो रही है, और जो है थोड़ी बहुत डैमेज हो रही है इस करके, और कोई कारण नहीं है। तो कितने दिन तक ये तेजी रहेगी बीमार को? ज़्यादा 10-15 दिन, उसके बाद नवी फसल आ जाएगी राजस्थान अलवर की, फिर प्याज वापसी डाउन हो जाएगी। कितना फर्क पड़ा रेट में? 10 दिन के अंदर 10 रुपए का फर्क पड़ गया। आम आदमी पर महंगाई की मार लगातार पड़ती जा रही है, चाहे प्याज टमाटर हो, सब्जियां हो, दालें हो, या फिर पेट्रोल डीजल और रसोई गैस, सभी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पंजाब के सिटी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।